कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का ये शख्स पक्का चेला था और इसके साथ दो नाबालिग भी टिल्लू ताजपुरिया जैसा ही बनना चाहते थे। इसके लिए तीनों ने मंडोली जेल के सहायक जेल अधीक्षक के घर पर फायरिंग तक कर डाली थी, लेकिन 29 जून को स्पेशल सेल को तीनों के ओलंबिक खुर्द की तरफ आने की खबर मिली। इसके बाद ट्रैप लगाया गया। जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो पुलिस पर फायरिंग कर दी, क्योंकि पुलिस वालों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, इसलिए किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी के मुताबिक तीनों ने गांव हिरण कूदना में सहायक जेल अधीक्षक को डराने धमकाने के लिए उनके घर को निशाना बनाकर गोलियां चलाई थी। इनके पास से 2 कट्टे, 8 कारतूस के अलावा कुंडली से लूटी गई एक बाइक भी बरामद की गई है। गिरफ्तार बालिक शूटर का नाम शुभम है, जो कि यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। टिल्लू गैंग का ये बदमाश न सिर्फ सहायक जेल अधीक्षक के घर पर फायरिंग करने बल्कि हरियाणा में गन पॉइंट पर लूट के मामले में भी वांटेड था। फायरिंग करने को लेकर खुलासा हुआ है कि काला पंडित नाम का एक बदमाश मंडोली जेल में बंद है, जो एक नाबालिग बदमाश का भाई है और काला पंडित को जेल में फटकार लगी थी, इसी का बदला लेने के लिए फायरिंग को अंजाम दिया गया था ताकि सहायक जेल अधीक्षक को डराया धमकाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे। खबरों की डोज नवदीप टुडे पर हर रोज।